हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है प्रियंका। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया हिंदी में। दोस्तों, यहाँ पे आज मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है, आगे का क्या मूवमेंट रहने वाला है, मंडे को कैसा मार्केट रहेगा, इन सब पॉइंट पे हम बात करेंगे ऑप्शन डेटा में। आज अगर आपने कॉल पुट को होल्ड करा है तो आगे क्या करना चाहिए, कैसे हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ों पर सारे पॉइंट और लेवल को जानने के लिए बने रहिए लास्ट तक वीडियो पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, फटाफट से दोस्तों सबसे पहले चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज निफ्टी की जो है क्लोजिंग कितने पे हुई है, आगे हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है बड़े शानदार तरीके से हुई है। मतलब निफ्टी के जो है आगे जो है मूवमेंट अच्छे दिख रहे हैं। इसके पहले दोस्तों और भी लेवल बढ़ाने के पहले बताने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन चेन का डेटा, जो कि थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पूरा प्रिडिक्शन कर देता है, लेकिन हाँ जो है थोड़ा सा जो है वो हेल्प कर देता है। हाँ, बाकी और चीज़ें जो हैं वो कैंडलस्टिक आपको सारी चीज़ें चार्ट आपको बहुत कुछ सिखा देता है। चार्ट जानना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हम ऑप्शन चेन का डेटा भी देखते हैं कि उसमें कॉल और पुट की राइटिंग कितनी हुई है, आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ये सब चीज़ें दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन चेन के डेटा में आज का डेटा क्या है। अगर दोस्तों आपने कॉल और पुट को दोनों को होल्ड, किसी कॉल या पुट में से किसी एक चीज को भी होल्ड किया, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा देखिए। अगर बात करूं निफ्टी की क्लोजिंग आज कितने पे आई है, तो निफ्टी की क्लोजिंग 17,786 पर हुआ दोस्तों। और 17,800 पर अगर मैं बात करूं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं 17,800 के लेवल पे की कितनी जो है राइटिंग हुई है, तो सबसे पहले देख लेते हैं तो 35,358 की यहाँ पे जो है राइटिंग हुई है। और अगर क्यूमुलेटिव की बात करें 67,863 की जो है क्यूमुलेटिव जो है आपको यहाँ पे देखने को मिला, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर इसी के साथ बात करें 7,850 के कितने देखने को मिला है, तो 7,850 पे 8,602 है, और इसकी लॉट्स की राइटिंग है। और इसका क्यूमुलेटिव की बात करें 19,719 की जो है यहाँ पे जो है क्यूमुलेटिव देखने को मिला है, जो कि जो है काफी अच्छा जो है क्यूमुलेटिव यहाँ पे देखने को। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें, अब हमने 17,750 की बात कर ली और 17,700 की बात करते हैं, 17,700 पे कितने का देखने को मिला है दोस्तों। तो 17,700 पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 17,700 पे 41,209 की जो है 209 के जो है यहाँ पे आपको राइटिंग देखने को मिल रही है। और क्यूमुलेटिव की बात करूँ तो 1,00,000 के ऊपर का है दोस्तों, एक लाख के ऊपर का यहाँ पे जो है क्यूमुलेटिव आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं 17,800 के लेवल पे अगर हम चेक करते हैं 17,800 के लेवल पे, तो आपको पहले ही मैंने बता चुकी हूँ 17,800 का लेवल पे जो है यहाँ पे राइटिंग और क्यूमुलेटिव कितना देखने मिला है। इसी के जो है आगे की बात अगर मैं करूँ कि जो है 17,900 पर कितने देखने को मिल रही है, 17,900 की बात की जाए तो 14,296 की राइटिंग देखने को मिली है। और क्यूमुलेटिव की बात करूँ 19,591 का जो है क्यूमुलेटिव यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये तो दोस्तों आपका हो गया पुट साइड का। पुट साइड के साथ अगर हम पुट में बात करें कि पुट का जो है मीनिंग क्या होता है, पुट का मतलब होता है सपोर्ट। पुट को हम सपोर्ट के रूप में लेते हैं, और राइटिंग का मतलब होता है जो फ्रेश सेलिंग होती है उसी को हम राइटिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुट का जो हमने बता दिया, तो अब चलिए हम देख लेते हैं कि कॉल का क्या होने वाला है, क्योंकि पुट का देख लिया तो कॉल की भी हम देखते हैं कि कॉल पे क्या है और कॉल का मतलब क्या है दोस्तों। तो फटाफट से जान लीजिए, कॉल का मतलब रहता है रेजिस्टेंस। कॉल को हम रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं और पुट को सपोर्ट की तरह देखते हैं। तो अब डाउन साइड की लेवल को हम देख लेते हैं दोस्तों, तो डाउन साइड में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं 17,700 पे अगर देखूं मैं, तो 17,700 का जो है यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपके लिए सपोर्ट क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस क्या होने वाला है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं 7,800 का, और नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस होने वाला है 18,000 का जो है आपका रेजिस्टेंट होने वाला है। डाउन साइड में 17,700 पर और 17,700 के नीचे अगर मार्केट गिरता है तो आपको और भी ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैं नहीं आपका ऑप्शन चेन डेटा से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल की राइटिंग की बात कर रहे थे, तो कॉल की राइटिंग पे हम देखते हैं सबसे पहला लेवल पे हम देख लेते हैं 17,800 के लेवल को। अगर देखते हैं 17,800 की बात करूँ तो यहाँ पे
70,800 पे 33,446 की जो है कॉल राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग हुई है यहाँ पे। और क्यूमुलेटिव की बात करूँ दोस्तों, क्यूमुलेटिव कितना हुआ है, तो एक लाख 1,06,644 का जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे क्यूमुलेटिव दिखाई दे रहा है दोस्तों। और नेक्स्ट की बात करूँ, अब नेक्स्ट की बात करूँ 17,900 की जो है यहाँ पे कॉल राइटिंग कितने की देखने मिली है। कॉल राइटिंग 17,900 पे अगर हम देखते हैं तो 33,639 जो है कॉल राइटिंग हुई है दोस्तों। और क्यूमुलेटिव की बात करें 83,364 की यहाँ पे क्यूमुलेटिव है, ठीक है, क्यूमुलेटिव की बात बता दी दोस्तों। अब डायरेक्ट हम देख लेते हैं 18,000 पे क्या है। 18,000 पे कॉल की बात करूँ अगर दोस्तों, 26,903 है कॉल की राइटिंग है। और अगर क्यूमुलेटिव की बात करूँ तो 1,30,751 की जो है यहाँ पे क्यूमुलेटिव देखने को मिला है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो हमारा हो गया जो है निफ्टी का, निफ्टी का हमने देख लिया कि जो है क्या है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का दोस्तों। दोस्तों कॉल की बात करूँ बैंक निफ्टी दोस्तों, ये आपके सामने जो ऑप्शन चेन का डेटा है ये जो है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात करूँ 41,000 पे जो है, सबसे पहले कॉल का देख लेते हैं दोस्तों, कॉल साइड का तो जो है जो बहुत ज़ोरदार कॉल की राइटिंग हुई है, ठीक है, कॉल की राइटिंग बहुत ज़ोरदार देखने वाली है 41,000 पे। सबसे पहले हम 41,000 पे अगर हम देख लेते हैं कि राइटिंग कितनी की हुई है, तो 41,000 पे देख रहे हैं 70,422 की जो है यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है। अगर क्यूमुलेटिव बात करूँ 74,742 का जो है यहाँ पे क्यूमुलेटिव देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूँ 41,000 के बाद अगर 41,200 पे अगर हम चेक करते हैं दोस्तों, 33,293 की यहाँ पे जो है कॉल राइटिंग हुई है, क्यूमुलेटिव 43,673 का यहाँ पे क्यूमुलेटिव है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों अगर हम देखते हैं 41,500 पे तो 71,560 के यहाँ पे क्यूमुलेटिव कॉल राइटिंग हुई है। और इसके बाद 1,12,358 की जो है 358 की जहाँ पे यहाँ पे क्यूमुलेटिव देखने को मिल रहा है दोस्तों। ये कॉल साइड की बात हो गई है, अब हम जो है पुट साइड की बात कर लेते हैं। पुट साइड में 41,000 पे जो है पुट की क्या हाल है दोस्तों, पुट की बात करते हैं। वैसे दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दिया कि जो है अभी बहुत सारे डेटा आने वाले हैं, इस वजह से कॉल की राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। पुट की राइटिंग बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कम देखने की हुई है। अगर पुट की राइटिंग दोस्तों बहुत कम है तो पुट की राइटिंग आप देख सकते हैं, पुट की राइटिंग का डेटा क्या 41,000 पे देखिए ये रहा, और 41,500 पे बहुत कम है, और 41,700 पे भी जो है बहुत कम दिखाया जा रहा है कंपेयर टू कॉल राइटिंग के, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रहा ऑप्शन चेन का डेटा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैंने जो चीज़ आपको निफ्टी में नहीं बताई, निफ्टी की अगर बात करूं अगर दोस्तों कॉल और पुट दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कॉल की राइटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है निफ्टी में। सपोर्ट जो है 17,500, देन 17,500 के बाद जो है आपका 18,000 का डायरेक्ट जो है वहाँ पे सपोर्ट लेवल बन रहा है, ठीक है, जो कि मैंने निफ्टी में आपको बताने के लिए मैं भूल गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके, आज तो ऑप्शन चेन के डेटा की बात हो गई, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका चार्ट पे क्या मंडे को पैटर्न होने वाला है, मंडे का टारगेट हमारा क्या रखने वाले हैं हम, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। निफ्टी के डेटा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 17,840 के अगर लेवल को, 1840 के लेवल का अगर जो है ब्रेकआउट देता है तब दोस्तों हमें लॉन्ग हो जाना चाहिए। 17,800 का जो लेवल है दोस्तों ये जो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पे हम कॉल के लिए बाय कर जो है, मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ मैं कॉल के लिए बाय करूँगी। अगर नेक्स्ट लेवल की बात करूँ दोस्तों 17,895 का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट की बात करूँ 17,895 का हो जाएगा यहाँ से। और इसके नेक्स्ट की बात करूँ 17,940 का लेवल मेरा जो है नेक्स्ट होगा यहाँ से, ठीक है, ये तो दो लेवल हो गए। इसके बाद अगर मेरा फाइनल लेवल की बात करूं दोस्तों, फाइनल लेवल हो जाएगा 18,100 का हमारा नेक्स्ट लेवल होने वाला है, ठीक है, ये तो हो गई जो है अपसाइड के मोमेंट की बात दोस्तों। अब डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो डाउन साइड की बात करूं 17,730 का लेवल, ठीक है, 17,730 का लेवल देख 17,730 का जो लेवल हो दोस्तों अगर इस, और 17,680 के लेवल अगर इन दोनों का ये ब्रेकआउट दे देता है, इन दोनों के बीच 17,000 देखिए दोस्तों नोट करते चलिए, 17,730 और 17,690 के लेवल का अगर ये ब्रेकआउट देता है दोस्तों तो हमें वहीं से पुट साइड के जाने के लिए जाना चाहिए, नहीं तो टॉप पे, यहाँ टॉप पे ना 17,840 का जो लेवल है टॉप है, टॉप पे मिले तो यहाँ पे हमें अगर चांस मिलता है तो यहाँ के लिए भी हमें पुट के
के लिए जाना चाहिए दोस्तों। हमारी बात हो रही 70,670 की, 670 की दोस्तों हम बात कर रहे थे, 70,670 की। तो 670 पे अगर डाउन जो है ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देता है दोस्तों, तो लेवल हो जाएगा हमारा 17,610 का। हम लेवल रखने वाले हैं, जो हमारा टारगेट होने वाला है 17,610 का फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद 17,000 जो है 550 का, 550 का हमारा नेक्स्ट उसका टारगेट होगा, जो कि ये फाइनल टारगेट होने वाला है, ठीक है, 70,550 का। ये तो हो गई दोस्तों जो है निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का लेवल क्या होने वाला है। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज हुई है 14,990 पर, बैंक निफ्टी जो है क्लोज हुआ है दोस्तों। अगर इसके अपसाइड लेवल की बात करूं तो इसका अपसाइड का लेवल होना है 41,100 का जो है। हम अपसाइड के लेवल की बात करें 41,100 का इसका अपसाइड का लेवल जो है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो हमें मैं जो है कॉल ऑप्शन के लिए बाय करूँगी दोस्तों, और मेरा टारगेट होने वाला है 41,220 का मेरा फर्स्ट लेवल होने वाला है। इसकी जो है ये मेरा रेजिस्टेंस होगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे भी आज थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी ने हॉल्ट लिया, उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे रहा और उसके बाद नीचे जाके ब्रेक बहुत ज़्यादा जो है फॉल किया। अगर आप दोस्तों निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी की देखिए जो है क्लोजिंग ओपनिंग जो इसकी हुई थी उसके बाद से दोस्तों यहाँ से कम जो है आपको लगातार सेलिंग दिखाई दी, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बनाया और हमने भी प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है दोस्तों। यहाँ अगर इसकी बात करूँ तो 41,220 का जो है अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट देने के बाद दोस्तों सीधा 150 से 200 पॉइंट मिलने वाले दोस्तों, क्योंकि यहाँ तक फिर ये जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके 41,450 का लेवल हमारा आप मार्क करके चल सकते हैं, 41,450 का लेवल होगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट देता है तो बैंक निफ्टी दोस्तों अपने लाइफ टाइम पे हाई पे होगा और उसका लेवल होगा 41,648 का जो है हमारा लेवल होने वाला है दोस्तों। उसका नेक्स्ट लेवल होगा 41,700 का नेक्स्ट लेवल होगा। और डाउन साइड की दोस्तों लेवल की बात अगर करती हूँ, डाउन साइड का 40,850 का जो लेवल है, 40,850 का लेवल है। अगर दोस्तों इसका जो है सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है दोस्तों, पुट ऑप्शन के लिए हम बाय करने जाएंगे, पुट ऑप्शन बाय करेंगे और हमारा टारगेट होगा 40,600 का हमारा ऑप्शन जो 40,620 का फर्स्ट टारगेट होगा। उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 40,600 का, उसका नेक्स्ट टारगेट होने वाला दोस्तों 40,550 का हमारा उसका नेक्स्ट टारगेट है दोस्तों। ये सारे लेवल हैं जो कि मंडे के आपके लिए फॉलो कर सकते हैं आप दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए, नीचे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस सपोर्ट चाहिए या किसी भी तरह का आपका डाउट हो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक टेलीग्राम का दिया है, वहां पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके डाउट हैं जो है स्टॉक से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। फटाफट दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपके कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अभी नए हैं आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप अकाउंट भी खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।